उत्तर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति कठोर से कठोर कानून लगा रही है, लेकिन फिर भी दहेज लोभियों के दानव रुपयों के लालच में बेटियों की बलि चढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के प्रकाश नगर में देखने को मिला। सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश कुशवाहा ने 6 साल पहले अपनी बेटी आरती का विवाह एतमादौला क्षेत्र में बॉबी के साथ किया था, लेकिन दहेज के लालची बेटी को आए दिन परेशान करते चले आ रहे थे। कई बार पीड़िता के परिजनों ने आरती को समझाकर सब कुछ सही होने का आश्वासन दे दिया। विवाहिता के परिजनों ने बताया कि कल शाम को दहेज के लोभियों ने विवाहिता के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे विवाहिता बुरी तरह से जल गई। अपनी बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की सूचना मिलते ही परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो बेटी की हालत देखकर सदमे में आ गए। आरती 75% से ज्यादा जल चुकी थी और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। सूचना पर एतमादौला पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित कुमार, बताइए क्या घटना हुई है, बताइए। ये घटना हुई है कि मैंने अपनी बहन का विवाह 2018 में किया गया था, 6 साल पहले आपसे। तो अब उसके मतलब परिवार वाले ने, मतलब ससुर वाले, उन्होंने उसे मिट्टी का तेल ला के जला दिया है और वो उसका भी पेट भर चला। कैसे जलाया? मिट्टी का तेल। अच्छा, अच्छा इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक पीड़िता जली हुई केस आपके हॉस्पिटल में आया है, क्या पूरा मामला? ये एक पेशेंट हमारे पास सुबह जली हुई आई है। मैं पहले परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर अरविंद यादव हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ सिटी स्मार्ट स्कूल का। इस पेशेंट को डॉक्टर अनिल गुप्ता क्लासेज देख रहे हैं। ये पेशेंट कल शाम का जला हुआ है, हमारे पास सुबह आया है। उससे पहले इसका इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज चल रहा था। जब मेरे पास आया तो पेशेंट अत्यंत गंभीर था, मतलब बेहोश था, सांस नहीं लेने में परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन डाउन थी, तो मैं तुरंत वेंटिलेटर लगा दिया है। ये मरीज लगभग लगभग 76% जला हुआ है, जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ये परिजनों को बता दिया गया है, स्थिति गंभीर है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस को इन्फॉर्म, पुलिस मौके पर पहुंची थी कि आपका हॉस्पिटल पुलिस आई? मैंने सूचना दे दी गई है और अभी तक नहीं आई, आई होगी तो मेरे पीछे उसकी जानकारी नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।